हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपकी मैम डॉक्टर संजू आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बीए फाइनल के एक महत्वपूर्ण कवि रघुवीर सहाय पर बात करेंगे। बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर में आधुनिक काव्य पढ़ते हैं हम लोग, उस आधुनिक काव्य में रघुवीर सहाय साठोत्तरी कविता के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। देखिए, जिस भी कवि को मैं पढ़ाती हूँ उसी को मैं महत्वपूर्ण कवि बताती हूँ, तो आप इसको रिपीटेशन मत समझिएगा। कारण क्या है कि अपनी अपनी जगह पर सभी महत्वपूर्ण है, इसीलिए पाठ्यक्रम का हिस्सा उनको बनाया जाता है। लेकिन कई बार राजनीतिक कदम के तहत हम अनुपयोगी चीजों को पढ़ लेते हैं, जातिवाद और दूसरी समस्याओं को बढ़ावा देने वाली चीजों को सिलेबस में पढ़ लेते हैं। लेकिन रघुवीर सहाय के बारे में मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये सचमुच सामाजिक प्रतिबद्ध कवि है। अगर आप आम आदमी की कविता पढ़ना चाहते हैं तो रघुवीर सहाय की कविताएं आपको कभी निराश नहीं करेगी। रघुवीर सहाय ने वैसी जगहों पर भी कविता को ढूंढ निकाला है जहां पर लोगों के लिए सिर्फ शुष्कता और नीरसता है। एक आम भारतीय मतदाता का कवि रघुवीर सहाय को कहा जाता है। बस में चढ़ती हुई स्त्री जिसकी गोद में बच्चा है, उस पर भी इन्होंने कविताएं लिखी है। घास के उगते हुए तिनके पर आपने प्रगतिवादी कविताएं पढ़ी होगी। प्रेयसी की घुंघराली लटों पर छायावादी कविताएं पढ़ी होगी। लेकिन कैसे रामदास वोट देने जाता है और एक दिन का राजा होता है और बैलेट पेपर के अफरा तफरी में एक गोली उसके सीने के नाम लिखी होती है, ऐसी कविताएं, दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली कविताएं, चिथड़े उड़ा देने वाली कविताएं रघुवीर सहाय ने लिखी है। ये एक किताब है जो इनका प्रतिनिधि काव्य संकलन है। बहुत पहले, ग्रेजुएशन से भी पहले मैंने खरीदी थी और इसकी कुछ एक पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे महसूस कराया कि मेरे प्रिय कवियों में इन्हें क्यों स्थान पाना चाहिए। एक इनकी कविता है छोटी सी, फिर जाड़ा आया फिर गर्मी आई, फिर आदमियों के पाले से लू से मरने की खबर आई, न जाड़ा ज्यादा था न लू ज्यादा, तब कैसे मरे आदमी। वे खड़े रहते हैं तब नहीं दिखते, मर जाते हैं तब लोग जाड़े और लू की मौत बताते हैं। देखिए, लोगों के ठंड या लू से मरने की खबर हम बराबर अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन इन खबरों के भीतर भी खबरें हैं जिन्हें सहाय जी ने अपनी कविता में बयान कर किया है। क्या विडंबना है कि अभावग्रस्त लोगों की मृत्यु तो खबर बन जाती है, लेकिन लगातार मृत्यु की ओर बढ़ती उनकी जीवन स्थितियां खबर नहीं बन पाती। 700 मर गए अखबार कहता है, खंडहर और लाश दूरदर्शन दिखाता है। बहुत सी खबरें मेरे अंदर से आती है, सबको चीर कर हैराती। ये रघुवीर सहाय का कथन है। इनके कुछ काव्य संकलन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सीढ़ियों पर धूप में, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध और लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं पर ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस में इनकी कौन सी कविता चलती है। हमारे सिलेबस में इनकी छोटी सी कविता चलती है, पढ़िए गीता बनिए सीता। ये कविता मैंने नेट के टाइम में गाइड में पढ़ी थी, तो आप यकीन कीजिए कि मुझे दोबारा पढ़े बिना याद हो गई थी। क्यों? क्या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं इसलिए? नहीं। ये कविता लड़कियों की जिंदगी को बयान करती है। ये कविता छोटी सी कविता है लेकिन बड़ा जीवन दिखाती है। समाज लड़कियों के प्रति कितना निर्मम है, कितना जालिम है और उनकी लाइफ कहां आके ठहरी हुई है। मैं पढ़ती हूं पहले इस कविता को, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सबको लगा पलिता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। हाय कटीली तबीयत, सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, पर कर बात बसाइए। एक लाइन छूट गई है, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सबको लगा परीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए।
हाय कटीली लकड़ी सीली आंखें गीली तबीयत ढीली घर की सबसे बड़ी पतीली भरकर भात पसाइए। अब अगर आपको थोड़ी सी भी भाषा की जानकारी है और आप लड़की हैं या लड़कियों के बीच में उनकी जिंदगी को उनकी दिनचर्या को करीब से देखा है तो मुझे नहीं लगता बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की जरूरत है इस कविता को, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बताऊँ। पढ़िए गीता। समाज में लड़कियों को बचपन से ही सुसंस्कारवान बनाने के कोर्सेज चलते रहते हैं। जिस घर में पैदा होती है उस घर में बचपन से ही उसको एक अदृश्य ससुराल का परिचय मिलता रहता है। अच्छा खाना बनाना सीख ले, इवन अच्छे से चलना सीख ले, धीरे हंसना सीख ले तो पतिव्रता नारी कैसे बने, सद्गृहिणी कैसे बने, ऐसी किताबें पहले जमाने में पढ़ाई जाती थी। समय बदला है तो किताबें कुछ बदल गई है, लेकिन कोर्स वही है, नाम बदला है। घर में दादी नानी मम्मी से सुनती रहती है लड़कियां ये ससुराल जाना है तो ऐसे करना है। तो पढ़िए गीता बनिए सीता। जब आप गीता पढ़ लेती हैं तो सीता जैसी सुशील शीलवान चुप रहने वाली विनम्र नारी बन जाती है। फिर इन सबको लगा पलीता। लेकिन पढ़ाई के दौरान होता क्या है कि आप अपनी चॉइस भी विकसित कर लेते हैं, आप कुछ ऐसा भी पढ़ने लगते हैं जो आपको अच्छा लगे। और जब हम पढ़ते हैं तो एक सबसे बड़ी चीज़ हमारे अंदर आती है, निर्णय लेने की शक्ति, अपना भला बुरा सोचने की शक्ति, चुनाव करना आता हमें। तो इन सबको जब आप सीख जाते हैं तो पलीता लगा करके, यानी अपने सारे अब तक के जीवन के सीखे हुए को अनुभवों के निचोड़ को किनारे रखिए, फिर इन सबको लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता निज घर बार बसाइए। माँ बाप अब जो तय करते हैं उसके साथ आप अपना घर बसा लीजिए। देखिए पुरुष होते हुए भी माना है रघुवीर साहब ने कि किसी मूर्ख की हो परिणीता, जरूरी नहीं है कि आपका पति ही आपसे बुद्धिमान होगा जैसा कि समाज बताता है। देखिए चुनते हैं तो लड़का हाइट में हमसे अच्छा होना चाहिए, उम्र में बड़ा होना चाहिए, पढ़ाई में बड़ा होना चाहिए, जॉब में पैसे ज़्यादा लेने चाहिए। इनमें से एक भी चीज़ कम है तो समाज में उस लड़के की भी कद्र कम होती है और लड़की को तिरछी नज़रों से देखा जाता है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि लड़की ज़्यादा होशियार हो सकती है, क्योंकि होशियारी तो जेंडर पे डिपेंड नहीं करती ना। तो किसी मूर्ख की परिणीता होकर के उसके साथ अपना जीवन गुजारने के लिए आप चल पड़िए। और फिर कैसे जीवन में संयुक्त परिवार होते हैं या होते थे कह दीजिए, बहुत जगह तो टूटे नहीं है अभी भी, और जहाँ रोना ही रोया जाता है संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, संस्कार खत्म हो रहे हैं, चूल्हे की रोटी की बात ही और है, लकड़ी के खाने की बात ही और है, सिलबट्टे की चटनी की बात ही और है, ये बात ही और वाले समय में ये कविता जो है अपने अंतिम पंक्तियों को अच्छी तरह रूपायित करती है। बहुत से लोग बोलेंगे कि अब तो गैस पे खाना बनता है, मिक्सी में चटनी पीसी जाती है। बेशक ये सही है कि परिवर्तन आया है, लेकिन बहुत से गांव देहात जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है वहाँ जीवन नहीं बदला है इतना, वहाँ आज भी यही सब चीज़ें चल रही है। तो फिर जब शादी के बाद वो बहुत बड़े परिवार में जाती है तो लकड़ी सीली, बारिश के मौसम में लकड़ी सूखी नहीं होती, तो लकड़ी सीली रहती है तो आंखें गीली होती है, आंखें गीली होती है तो तबीयत ढीली होती है, और घर में लोग बहुत सारे होते हैं तो बहुत बड़ी पतीली होती है जिसमें भरकर भात बनाए जाते हैं। पहले चाहे कुछ ना किया हो लेकिन बाद में वो पहले बनाएगी और अंत में खाएगी, पहले खा ले तो अच्छी नहीं कहलाएगी। तो इस प्रकार से पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सबको लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता निज घर बार बसाइए। हाय कटीली आंखें गीली लकड़ी सीली घर की सबसे बड़ी पतीली भरकर भात पसाइए। इस कविता की कोई एकाध पंक्ति आगे या पीछे बेशक मैंने पढ़ ली होगी, लेकिन उस पर अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप कविता की मूल संवेदना से आप परिचित रह जाएंगे। कवि के लिखने का भाव यही है कि समाज लड़कियों के लिए अभी भी बहुत नहीं बदला है, उन पर घर के जुए का बोझ होता है, इनके कंधे पर टिका रहता है। एक महिला 6-7 लोगों का खाना रोज बना सकती है, लेकिन 6-7 लोग रोज मिलके उस एक का खाना नहीं बना सकते। ये मैं नहीं कह रही, ये कविता कह रही है। क्योंकि आप देखिए एक कविता की एक पंक्ति सिर्फ एक पंक्ति भर नहीं होती,
उसका अर्थ बहुत दूर तक जाता है। कोई भी पंक्ति हो, कोई भी कविता पढ़िए, जैसे धूमिल इन्हीं के समकालीन थे, साठोत्तरी कविताएं कवि, उनकी दो पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। अब इसी दो लाइन में कितनी बड़ी चीज आ गई। धूमिल भी हमारे पाठ्यक्रम में है, उन पर भी हम बात करेंगे। तो पढ़िए गीता, बनिए सीता कविता पर आज हमने बात की, कवि के विचारों को समझा, समाज में लड़कियों को लेके जो सोच है उसको समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कविता को समझाने में मैं थोड़ी बहुत सफल रही होगी। इससे दो तीन तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक तो दो नंबर का छोटा प्रश्न आ सकता है, पढ़िए गीता किसने लिखी है, तो किसने हटा देंगे पढ़िए गीता साठोत्तरी कविता के महत्वपूर्ण कवि रघुवीर सहाय ने लिखी है। छः नंबर की व्याख्या आ सकती है, तो कविता का अर्थ जो मैंने बताया वही व्याख्या में लिखना है। व्याख्या में हमको शब्द परिवर्तित कर देने हैं, अर्थ नहीं बदलना है। शब्द हमें प्रश्न पत्र पर लिखे हुए मिलेंगे, उसी को हम लोग मूल भाव में बदल देंगे। और बड़े प्रश्न में मूल संवेदना, कवि का संदेश, कवि की सोच, तो वो अभी जो मैंने घुमा फिरा के जो सारी बातें की है, घुमा फिरा के भी नहीं बल्कि स्पष्टता जो बातें की है, वो इसके 20 नंबर के बड़े प्रश्न का उत्तर है। मैंने यूं ही नहीं बोला है। तो आज की ये बातचीत रघुवीर सहाय पे थी, तो उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को विषय को समझाने में सहायक साबित होगी। फिर किसी वीडियो में दूसरे विषय पर बात करेंगे। शुक्रिया।